खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट में बात करती है, क्यू बाई टू में अपना रेशो आ गया था। मैंने बोला था मैग्नेटिक मूवमेंट दो चीज का होता है, एक लूप का होता है जो अपने बोला था आई इंटू ए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलॉन्ग द करंट होती है, करंट के अलॉन्ग अपने हाथ को घुमाइए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपनी आ जाएगी, आई इंटू ए इज द एरिया ऑफ द लूप। हमने बोला जो भी करंट कैरिंग लूप्स हैं, जो भी करंट कैरिंग लूप्स हैं, वो बेसिकली अपने को जो है दे विल बिहेव एज अ मैग्नेट, दे विल बिहेव एज अ मैग्नेट, इसलिए हम उनको इक्वेट करा था। फिर हमने उनका रेशो निकाला क्यू बाई टू एम, जिसे हम जायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहता है हर जगह के लिए। मैंने आपको एक एटम से लेकर उसको सॉलिड स्फीयर तक पूरा प्रूव कराया था और आपको बात समझाई थी कि रेशो क्यू बाई टू एम रहता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, वापस भी आ सकता है। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्यू बाई टू एम। अगर कभी आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ ले जो आपको टफ लग रहा हो तो आप इस रेशो से उसको निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा और आई आपको बहुत सारी चीजों को आता है। यहां तक की बात मैं आपको समझा चुका था, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में अपन बात कर चुके थे। वास्तविकता में हमें जो पढ़ना था वो था कि हम पढ़ चुके थे एक चीज जो हमने पढ़ा था, फोर्स, फोर्स था आईएल क्रॉस बी। अगर किसी भी वायर, क्लोज्ड वायर को जिसमें करंट बह रहा हो उसको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, किसमें रखें, तो उसमें नेट फोर्स क्या जीरो होता था? उसमें नेट फोर्स जीरो होता था। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, उसमें नेट फोर्स जीरो हुआ करता था। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, पर क्या नेट टॉर्क भी जीरो होता था? ऐसा कोई जरूरी तो लिखो, हेडिंग डालो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक से बात को समझते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए डॉट 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 का क्या मतलब है? बहुत सुंदर। डॉट 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 का मतलब है बाहर, तो डॉट डॉट का मतलब है बाहर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अगर मान लीजिए कि आपका एक लूप है ऐसे, ठीक है, अगर हम बहुत ध्यान देंगे, मान लीजिए लूप को स्क्वायर लें थोड़ा आसान हो जाएगा, चल रेक्टेंगल ले लेते हैं जैसे तेरी इच्छा। मान लेते हैं कि ये ए है और मान लेते हैं कि ये बी है। इस लूप को अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को बोला कि अच्छा भाई ऐसे तो करंट ऐसे है। अच्छा इस समय बताओ अभी इस लूप पर फोर्स कितना है? आवाज़ है, कितना है? कितना है? जीरो। तो फोर्स है जीरो। बहुत बढ़िया साहब, अच्छा लगा, फोर्स जीरो। अच्छा आई मतलब एरिया वेक्टर और बी में कितना एंगल इस समय? एरिया वेक्टर और बी में कितना एंगल? एरिया वेक्टर बाहर है, अरे हाँ ना बोल, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है? तो ए और बी में कितना एंगल? जीरो। बहुत बढ़िया। खैर मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिख लेता हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा जाता है आई ए बी, क्या लिखा जाता है? मतलब बेसिकली ए बी, ए बी का क्या मतलब है? एरिया, क्या चीज? तो आई ए बी अगर यू देखे तो अपन उसको आगे लिख सकते हैं, अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला तो आई ए बी, बहुत बढ़िया सा, अच्छी बात, अच्छा लगा। अब अगर हमने जब ऐसे ले लिया तो अपने को ऐसे दिखाई दिया, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा है। हमने क्या करा कि इस लूप को इसके अबाउट ऐसे घुमाया थोड़ा सा, ऐसे था लूप। ध्यान दो तो बी में बी है, एरिया ये, बोलो क्लियर। अगर लूप ऐसे है और उसको ऐसे घुमाऊंगा थीटा से तो क्या घूमेगा? बी की ये कैसे हो जाएगा? मान लीजिए मैंने लूप को थीटा घुमाया तो एंगल कितना हो गया? घुमाने के बाद एंगल बिटवीन ए एंड बी, बोलो क्रिस्टल क्लियर या नहीं आया? सोच लो। बहुत बढ़िया सर। तो अपन ने बोला कि घुमाने के बाद जो अपनी स्थिति बनी वो ऐसी बनी, देखिए वो ऐसी बनी ये, बोलो क्लियर। और ये एंगल कितना? थीटा। ये एंगल कितना? सर बोलो ठीक, मैंने ये बोला ठीक। मैं इसका एक और व्यू दिखाता हूं, ये इसका साइड व्यू है। कैसा है? अगर हम टॉप व्यू देखें तो सोच ऐसे, मान लीजिए हम इसको देखें ऐसे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी नजर आएगी। अगर हम ऐसे देखें ऊपर से सिर्फ एक लाइन नजर आएगी लूप की, यार नहीं आया, इसका एरिया वेक्टर भी इधर, थोड़ा समझने के लिए बता रहा ताकि आपको अच्छा लगे। तो उसका एक और व्यू, अनदर व्यू ऐसे हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऐसी है, ध्यान से देखें एकदम अच्छे से, और अपना लूप ऐसे है, ऐसे इस तरीके से बना रहा हूं ताकि वो एक लाइन की तरह आपको दिखाई दे, और उसमें ऐसे करंट जा रहा है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है। बोलो क्लियर रहेगा? अगर आप ऐसे देख रहे हो, ध्यान से ऐसे देखो, ऐसे देख रहे हो आप ऐसे, तो ये वाली साइड यानी कि ये वाली साइड बी है। सरवानी है यार, अगर ऐसे देखोगे ऐसे इसको ऊपर से, तो ये वाली साइड कितनी है? बी। कितनी है? तो क्या मुझे बी बना लेनी चाहिए? और यू क्या है? ए। तो फील नहीं कर पा रहा, अरे आ गया क्या? तो यू अपना ए है। बहुत बढ़िया साहब, ऐसे बी और उधर अंदर वाला ए, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब हमने इसको ऐसे घुमाया,
जब हमने इसको ऐसे घुमाया, मान लीजिए ऐसे था ये, तो हमने इसको ऐसे घुमाया ऐसे, तो जब ये लूप ऐसे घुमा ऐसे, तो ये वाले लूप को जब अपन ऐसे देखेंगे तो वाला लूप ऐसे घुमा, थीटा कितना, थीटा, तो मान लीजिए अपन ने थीटा घुमा लिया ऐसे। देखिए ये घुमाने के बाद की सिचुएशन, ये ऐसे और ये एंगल कितना है थीटा, ये इनिशियल पोजीशन है और ये यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया। अब फील करते हैं थोड़ा सा, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपने को समझ आएगा कि मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन करो, वैसे पकड़ ले इसको बीच में से, मैं बोलूं जैसे पकड़ना है ना, ऐसे बीच से इसको भी पकड़ ले और ऐसे पकड़ ले, हाँ वेरी गुड, ऐसे ऊपर कर ले सीधा सीधे पकड़ ले ऐसे पेन के साथ, हाँ पेन ऐसे सीधी होनी चाहिए इधर की तरफ, हाँ ऐसे पकड़, हाँ पकड़ ले, वेरी गुड शाबाश स्वाति आंटी। अब देखो और दो ऐसे, ये क्या चीज बनाया मैंने, फोर्स, कैसे कैसे रखना, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि इधर ऐसे ऐसे जो फोर्स लग रहा है, देख ये कितना लग रहा है, ये साइड कितनी है ए, तो लगा आई ए बी, आई ऊपर कितना लगा आई बी बी, इधर कितना लगा आई ए बी, इधर कितना लगा आई बी बी, नेट कितना, नेट कितना, नेट टॉर्क अभी 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 इनिशियल सिचुएशन में, इनिशियल सिचुएशन में, इनिशियल सिचुएशन में सोच लो, इनिशियल सिचुएशन में जीरो, फोर्स भी जीरो। और अगर मैं व्हाइट वाली सिचुएशन में बात करूं इनिशियल सिचुएशन में, तो इनिशियल सिचुएशन में एफ भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो, पर जब मैं इसे घुमा दूंगा, जब मैं इसे तो सोच ऐसे अपन ने रखा, अगर मैंने इसको घुमा दिया, अगर मैंने इसको घुमा दिया तो ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, अब घुमाओ उसको ऐसे नहीं ऐसे, अरे ऐसे, तो ये तो ऐसे ही रहे सीधे, गलत कैंडिडेट पकड़ लिया अपन ने, रिकॉर्डिंग और चल रही है, मैंने सोचा स्वाति आंटी अच्छा परफॉर्म करेंगी, हाँ बेचारे लूप की शामत है यार ऐसे, पर इस वाले पे कोई फर्क आपको नहीं लगता है, दोनों से कपल टॉर्क लगाए और इसको वापस ऐसे घुमाएं, अरे नहीं आया, ऐसे घुमा रहे हैं उसको वापस, अभी टॉर्क हमें निकालना है, तो अगर इस डायग्राम को बहुत ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, ये वाले जो इसको देखे ऐसे, तो एक दो तो फोर्स ऐसे, ये इस एक्सिस के बाहर घूम रहा है, देख ऐसे, अरे भाई साहब नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्की बात, तो अगर ये इस वाले कैसे ऐसे, अगर अपन ध्यान से देखें तो ये ऐसे घूम रहा है, तो जब ये ऐसे घुमा तो सोच दो फोर्स तो ऐसे हैं, जिनका टॉर्क में कोई रोल नहीं है, पर जो ऐसे घूमा ये वाले, ये इस वाली एच पे जो लग रहे हैं ऐसे, ये वाले ये कितना है, आई ए बी आई बी बी, आई ए बी आई बी बी, आई ए बी, इधर आई ए बी और इधर आई ए बी, आपको नहीं लगता है टॉर्क लगा रहे, पहले तो एक बार और समझाओ कि फील आ गई है, अरे आइए कि नहीं आइए, एक बार और समझाना है, अरे बाकी बात सबको आ गई है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, बहुत बढ़िया साहब, तो आई ए बी और इधर भी आई ए बी, अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखना चाहता हूँ, अच्छा एक खास बात और, क्या लूप पर नेट फोर्स जीरो है, बेकार रेस्पॉन्स, लूप पर नेट फोर्स, अगर लूप पर नेट फोर्स जीरो है, अगर लूप पे नेट फोर्स, अगर लूप पे नेट फोर्स जीरो है तो लॉजिकल है कि नेट फोर्स अगर जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो, ये जरूरी नहीं है, पर नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है भाई साहब, बहुत बढ़िया, तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है, तो चाहे इसके अबाउट निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आप चाहो निकाल लो, मान लो मैं इसी के अबाउट निकाल लेता हूं, तो सोच इन दोनों का जो इधर इधर थे उनका तो जीरो है, क्या इसके अबाउट इसका टॉर्क है, अगर ये एंगल थीटा है 90 माइनस थीटा, क्या ये भी थीटा, क्या ये भी थीटा, ध्यान से देखो तो क्या ये दूरी b by 2, ये दूरी, ध्यान से देखो r cross f के अंदर आ रहा है, यार बेकार रेस्पॉन्स, r cross f किधर आ रहा है, अंदर, r कितना, अब आ जाइए r कितना, आई ए बी इंटू बी बाई टू इंटू साइन थीटा, अंदर की बाहर, अंदर की बाहर, बहुत बढ़िया साहब, तो अंदर, तो टॉर्क लिखा गया आई ए बी बी बाई टू साइन थीटा, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ, सिर्फ इसका टॉर्क,
इसका देखो, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, यस और नो? फिर से बी बाई टू, फिर से आई ए बी, बोल अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, दोनों जुड़े घटे, जुड़े घटे, जुड़े घटे, ओहो हो, तो फिर से मल्टीप्लाइड बाई टू। तुम्हें समझ में आया टू क्यों आया? यस सर। यार मुझे लगा ही तुम्हें आया, आया। तो टू रे टू को मान लिया। अब ध्यान दें, आई ए बी क्या है? आई ए बी क्या है? परमानेंट रूम है। अरे क्या है? अरे नहीं आया, आया। तो ध्यान दें, मैं इसको ऐसे लिख सकता, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब मेरा दिमाग ठनका, मैंने कहा यार साला एम बी साइन थीटा कुछ तो क्रॉस प्रोडक्ट टाइप लग रहा है, क्योंकि थीटा साला एम और बी के बीच का ही एंगल है, क्योंकि थीटा साला एम और बी के बीच का ही एंगल है। देखो ध्यान से, ये थीटा, ये एम, ये बी, ये एम, हाँ, यानी कि या तो फॉर्मूला एम क्रॉस बी है या फिर बी क्रॉस एम है। क्या हमारे इस पर्टिकुलर सवाल में टॉर्क की डायरेक्शन अंदर आ रही है कि बाहर आ रही है? अंदर। मतलब बताओ मुझे, एम क्रॉस बी करूं तो अंदर आ रहा है कि बी क्रॉस एम करूं तो अंदर आ रहा है? अरे नहीं, कैसे करें? तो फॉर्मूला निकल के आया, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू, अरे नहीं आया, आया, आया कि नहीं आया? तो टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, ये फॉर्मूला याद रखना है। Although I have proved this formula for a rectangular loop or for a square, but it is valid for all the loops. मैंने भले इसको प्रूफ ऐसे करा आपको समझाने के लिए, फील कराने के लिए, देख सब कुछ सही आता है, पर ये स्क्वायर हो, अपने सर्कल हो, एलिप्स हो, कुछ भी हो, ये वाला फॉर्मूला वैलिड। तो टॉर्क फॉर्मूला फॉर अ लूप इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज एम क्रॉस बी। एम क्रॉस एम क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट की वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट है। क्या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है? yes, पर नेट और जीरो ये जरूरी नहीं है। सोच लो। yes, क्या नेट और जो होता है उसका फॉर्मूला क्या एम क्रॉस बी होता है? yes, मैं तुम्हें एक बार बता दूं, वास्तविकता में मैग्नेटिज्म यहां खत्म हो गया, मतलब मैग्नेटिज्म मतलब ये वाला सेक्शन। इसके बाद इसमें जितने सवाल तुम्हें कराऊंगा अभी आपको दो चार, डोंट वरी अबाउट इट, बट इसके बाद इसमें एम क्रॉस बी जुड़ते ही टॉर्क आ गया, टॉर्क आते ही रोटेशन आ गया। इसका मतलब इसमें सवाल अच्छे नहीं आते, सवाल अच्छे आते हैं, पर वास्तविकता में आगे वाली कहानी उसी की अच्छी हो सकती है जिसको टॉर्क के सिंपल फंडे आते हैं। टॉर्क बराबर आई अल्फा, टॉर्क बराबर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वो अभी बताऊंगा मैं थोड़ी थोड़ी चीजें, पर वो अच्छा तभी होगा जब अपने को बात समझ में आएगी। पहले तो जो मैं बोला चमका, उतारा उतार, ये बहुत परेशान है। हाँ तो एरिया वेक्टर के अलावा तो लिख बेटा मैंने, देखे ना ये ऐसे लिख मैंने, ये तो यहां पे लूप ऐसे है, तो ऐसे तभी तो ऐसे लिया, इसका अदर व्यू है। क्या है? अदर व्यू। मैंने इस वाले केस में कैसे लिए? देख ऐसे लिए ना, तो एम की डायरेक्शन किधर है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। मैंने इधर B किधर लिया? ऊपर। तो एम बी किधर बनाऊंगा? ऊपर। ऐसे मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है B, बोलो क्लियर है? ऐसे मान लो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है B और मान लीजिए एक लूप ऐसे है, अपनी बुद्धि विवेक से बता दोगे तुम, और दूसरा लूप अपना ऐसे है, बोलो क्लियर? ये इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है, ठीक? इसमें करंट बह रहा है ऐसे और इसमें बह रहा है ऐसे, ये सब पुरानी बातें, किसी जैसी फीलिंग लाएगी, पी क्रॉसिंग टाइप। कैसी पी क्रॉसिंग? कहां पड़ा था? टॉर्क। थोड़ा रेस्पॉन्स ढंग से करो, कहां पे पड़ा था? टॉर्क। अब मेरे को बताओ इसमें ऐसे, अगर मैं इस लूप को थोड़ा सा हिला के छोड़ दूं, इस वाले को थोड़ा सा ऐसे, और इसको भी ऐसे थोड़ा सा हिला के छोड़ दूं, जो वापस वहीं आ जाए, क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम? अच्छा, इसमें नेटवर्क तो हमेशा जीरो है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कहने की कोई बात नहीं। जो भी इक्विलिब्रियम की बात होनी हो टॉर्क के लिए होनी, यानी कि अगर बात होगी तो एंगुलर एसएचएम की लीनियर एसएचएम की? एंगुलर एसएचएम। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल है? इनमें से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, बोलो? कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? क्या ये वही केस है जो अभी पढ़ा था? ध्यान से देखो तो क्या उसमें टॉर्क ऐसा लग रहा था कि वापस वहीं आ जाए? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया।
समझाऊं कि आ गया है, पक्की बात। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल, वही पुरानी कहानी, देख स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एम और बी में एंगल जीरो होता है कि 180 होता है, जीरो की 180, और 180 होगा तो अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल क्या अपन वहां से वापस भाग जाएंगे, वहां से वापस दूर की तरफ भाग जाएंगे, तो ये अपना कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन एंगल बिटवीन, व्हेन एंगल बिटवीन एम एंड बी इज जीरो, और अनस्टेबल तो होता है जब व्हेन एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 180, एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 180। चलिए आइए, अगर आपने बात समझ में आई तो आप मेरे को एक चीज बताइए, तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन की बेसिक थ्योरी आती है, टॉर्क इक्वल्स टू माइनस के थीटा, तो आप सभी लोग सवाल करेंगे वैसा ही जैसे मैंने अभी बताया, ध्यान से सुने। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि ऐसे आपकी एक रिंग है, ठीक, जिसका मास एम है, रेडियस आर है, उसमें करंट ऐसे बह रहा है, बताइए स्टेबल अनस्टेबल, सवाल है कि इफ रिंग इज स्लाइटली रोटेटेड एंड रिलीज्ड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसेशन, या फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इधर देखिए, अगर ध्यान से देखें तो टॉर्क, पहले एक बात को समझे, ऐसे एम, पहले समझना पूरी फील के साथ बताता हूं, ऐसे एम ऐसे बी, इनिशियल ऐसे एम ऐसे बी, अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे थीटा घुमाओगे तो क्या एम क्रॉस बी ऐसे आएगा, यस सर। तो सोच, आपने थीटा जब माइनस क्यों आता है वो बता रहा हूं, हालांकि तो मुझसे तुम्हारे आंसर में से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, बट समझो जब हमने ऐसे करा तो एम क्रॉस बी किधर है, नीचे, जबकि जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो थीटा किधर है, ऊपर, तो थीटा और टॉर्क में माइनस का साइन का डिफरेंस है, तो समझ नहीं आया, फिर से सुन, अगर आप थीटा, जब आप ऐसे घुमा रहे हो तो जब आपने इसे घुमाया तो थीटा क्या हुआ, आपने ऐसे लिया, ऐसे लिया तो थीटा किधर है, ऊपर, मतलब कि आपने इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, जबकि जब आप एम क्रॉस भी कर रहे हो तो किधर आ रहा है, नीचे, इसे जब आप टॉर्क लिखोगे तो लिखोगे माइनस एम बी साइन थीटा, अरे भाई साहब, क्योंकि वास्तविकता में थीटा ऊपर जा रहा है और टॉर्क, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, इसलिए हम इसे लिखेंगे टॉर्क इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा। अच्छा, टॉर्क इक्वल्स टू माइनस एम बी साइन थीटा को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि m की वैल्यू हमारी है आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आई इंटू बेकार रिस्पॉन्स, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, अच्छा माइनस एम बी साइन थीटा में थीटा छोटा की बड़ा, बेकार रिस्पॉन्स, छोटा की बड़ा, बहुत छोटा, अगर टॉर्क मतलब अगर ये छोटा है तो क्या लिख सकते हैं, माइनस आई पाई आर स्क्वायर बी इंटू थीटा, आपको नहीं लगता है मेरा पूरा के बन गया है, बेकार रिस्पॉन्स, मेरा क्या बन गया है, के बन गया, तो टॉर्क की वैल्यू क्या है, सॉरी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई, आई कितना, आई कितना, एम आर स्क्वायर की एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट एम आर स्क्वायर होता है भाई साहब, एक्सेस पे ध्यान दीजिए, एम आर स्क्वायर बाई 2, गलती कर दी होगी कई लोगों ने, एम आर स्क्वायर बाई 2 बाई के, तो आई पाई आर स्क्वायर बी, अब जो भी आंसर आया वो आ गया, वो एक अलग बात है, फिर बताओ जो मैं बोला क्या चमका, सोच के सवाल टफ हो जाता अगर मैं रिंग की जगह स्क्वायर ले लेता, क्योंकि स्क्वायर का हर एक का इसके अगर सोच ही ले लेता, मैंने ये नहीं करा, ये भी करा सकता हूँ, जेई में आ चुका है ऐसा, सोच अगर ये स्क्वायर होता ना तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12, इसका होता है ml स्क्वायर बाई 12, इसका होता है ml स्क्वायर, इसके m into l by 2 का होल स्क्वायर, अरे भाई साहब आना बोले यार, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बट वो तो रोटेशन का पार्ट है, किसका पार्ट है, ये और SHM, बेसिकली रोटेशन का आई आना चाहिए, एंगुलर SHM में SHM का आना चाहिए, बाकी मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला सिर्फ m क्रॉस b है, भले ही सवाल कहलाता हो आपका m क्रॉस b का, पर वास्तविकता में इसमें तीन चैप्टर मिक्स है, पहला जो मैं बोला चमका, और थोड़ी सी बात अच्छे से करता हूँ, देखिए ध्यान से, बोर्ड अच्छा बना हुआ है, कुछ रब करने की इच्छा नहीं हो रही, साफ करने का तो है ही नहीं कुछ, अच्छा बोर्ड से साफ कर दूँ।
आपको और छूट लेने क्या सर? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इधर देख, आपकी एक रिंग ऐसे है, थोड़ी सी फील कर लेते हैं इसको, एक रिंग ऐसे मास एम रेडियस आर करंट वरंट आई बह रहा है, ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बोलो क्लियर, और ये एंगल है 53, कितना है ये, ऐसे क्या है मैग्नेटिक फील्ड? पहले तो ये छोटी बातें पूछता हूँ, क्या रिंग रोटेट करेगी? क्या ये रिंग रोटेट करेगी? ये डबल कर दो, हाँ भाई आइए, सब लोग बोलेंगे। अभी एम और बी में एंगल, छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ तुमसे कराऊंगा सारा, बोलो एम और बी में एंगल, एम और बी में एंगल, सोच लो एम बाहर बी इधर, क्या एंगल 90 है, तो और क्या पूछी जाए तो कितनी, बोलिए आई पाई आर स्क्वायर बी, सिंपल आई। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये तो ठीक है, ये टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लग रहा है तो घूमे ही, टॉर्क लग रहा है तो किस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के बारे में मैं रोटेशन पे एक बात करी थी, वही कॉन्सेप्ट यहां एग्जैक्टली लगेगा अगर तुझे याद है, जो मैंने बोला था अगर तुझे याद है तो बता पाएगा, बोल तू बोल पाएगा कि किसके अबाउट घूमेगी, बोल तू याद कर, मैं रोटेशन में एक चीज बताई थी, बोल किसके अबाउट घूमेगी, बोल एक्सिस, मैंने कुछ चीज लिखा थी टॉर्क 0 4 0, तो टॉर्क 0 ये जरूरी, बट नेट और हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड पैरेलल टू, तो लगा उसको अप्लाई कर उसी कांसेप्ट को, वही कांसेप्ट लगना है। चलो बताओ टॉर्क किधर है, एम क्रॉस बी, इसके ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे ये 53 है ना, ऐसे 37, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, बेकार रेस्पॉन्स, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू टॉर्क, तुझे मेरी बात समझ, ये एक्सिस है जिसके अबाउट घूमेंगी रिंग, और ये भी बता सकता हूं कैसे घूमेगी, सोच के टॉर्क किधर है, बेकार रेस्पॉन्स, इनिशियल ओमेगा 0 है, तो क्या ओमेगा इधर ही आनी चाहिए, अगर इधर ही आनी है तो ऐसे अगर घुमाओगे ऐसे, तो क्या ओमेगा इधर आएगा, अरे यार तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा यार, पर ऐसे घुमाओगे तो ऐसे, और ऐसा कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज तो टॉर्क बराबर, अरे पर आई के लिए पता होना चाहिए किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहे हो, इसलिए आई निकलवाया है, अब बोल क्या आई, एम आर स्क्वायर बाई टू, करेक्ट, एम आर स्क्वायर बाई टू टू अल्फा, कोई भी लूप घूमेगा मैं सब बता सकता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, ये पुराने कॉन्सेप्ट है टॉर्क वाले, पर आते हैं यहां पे, अगर आ जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं, जेई सब्जेक्टिव 10 नंबर में आया हुआ सवाल, उन्होंने रिंग की जगह स्क्वायर लिया था, क्या लिया था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा सा टफ हो गया था, अरे भाई साहब तो यही सवाल था एग्जैक्टली, अब खुद सोचते हैं मैग्नेटिज्म ज्यादा है कि पुरानी कहानी ज्यादा है, पर बहुत बार सवाल आ चुके हैं भाई साहब इन पे, फिर आ जाएंगे, वो है वो उसमें, मेरे को लगा एक अच्छा सवाल करा लेता हूँ, क्या पता क्या टॉर्क की बेसिक फील आई है यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, इसमें अच्छे सवाल आ सकते हैं भाई साहब, और टॉर्क से रिलेटेड ज्यादा होंगे, किससे, जेई में बहुत अच्छे आए हुए, जेई के 4-5 सवाल बहुत अच्छे शीट और 39 में मिलेंगे आपको, तो मैं करा नहीं रहा हूं, है ना, ट्वेल्थ में होते तो मैं 1-2 करा देता हूँ क्लास में बैठ के, तुम मैं नहीं करा रहे, पर अपन करेंगे जरूर, बेसिकली उनमें अच्छी बात क्या है, टॉर्क क्या है,
अब टॉर्क से बेस एक बढ़िया एप्लीकेशन अपने पास है जिसे हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? याद कर अपने गैलोरीमीटर नाम की चीज पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी? करंट। और याद कर उसके लिए बोला था कि मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है। क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। पर वास्तविकता में इधर देख, वास्तविकता में अपन क्या करते हैं, ध्यान समझे, वास्तविकता में मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर उसका नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? दो टाइप के वैसे गैलोरीमीटर होते हैं, मूविंग गैलोरीमीटर, टाइम गैलोरीमीटर। आपके कोर्स में है मूविंग टाइम गैलोरीमीटर, तो देखो मूविंग टाइम सेटअप को समझे, फील करें, बाकी याद रखना है जो मैं बोल रहा हूं। मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर सीटें अदला बदली चालू, इधर गैलोरीमीटर क्या नापता था? या तो मैं उसमें बता दें मूविंग गैलोरीमीटर करंट नापता है, पर इसकी कंस्ट्रेंट ये है कि बहुत बड़ा करंट नाप नहीं सकता। आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्यों क्यों नहीं नाप सकता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। अब उसकी वर्किंग हम सीख रहे हैं, हमने बोला था इसकी वर्किंग मैकेनिज्म में आएगी, वो स्थिति आ जाएगी। याद था इसी मूविंग कॉइल गैलोरीमीटर से हमने एमीटर वोल्टमीटर बनाए थे। क्या बनाए थे? एमीटर, जिनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आप भूल गए एमीटर वोल्टमीटर की याद है? देखा देखता हूं कितना याद है। एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? किसी क्षण पैरेलल होती है, किसी क्षण पैरेलल होती है। इसका आइडियल इनफाइनाइट है, इसका कुछ नहीं याद है तुम्हें। किसको सीरीज पैरेलल में जोड़ते हैं? किसकी आइडियल शंट जीरो है? किसका फैक्टर वन प्लस आर सी वाई एस है? आई इक्वल टू आई जी वन प्लस आर जी वाई एस, किसका फॉर्मूला है? एमीटर। और उसका फैक्टर क्या है वोल्टमीटर का? आर जी प्लस एस। याद कर हमने अमीटर बनाए थे, मल्टीमीटर बनाए थे, गैलोरीमीटर से बनाए थे, कोई शक वाली बात नहीं है। वो गैलोरीमीटर कैसे काम करता है जो आपको से दिखाया गया था, उसकी वर्किंग करा गया है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो इधर ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आपके पास मैग्नेट्स हैं, अगर हैं तो लॉजिकल बात है कि इनके बीच में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक साहब, बढ़िया, अच्छा लगा, मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, शाबाश। ठीक भाई, अब हम क्या करते हैं, इसमें वास्तविकता में ड्रम लेते हैं। क्या लेते हैं? ड्रम। नॉन मैग्नेटिक ऐसे ड्रम लेते हैं, ऐसे उस ड्रम को ऐसे लटका लेते हैं ऐसे यहां से, समझे? ये ड्रम ले लिया साहब, ये लो क्लियर। इस ड्रम को वास्तविकता में ऐसे लटका के रखते हैं टॉर्सनल वायर से। टॉर्सनल वायर याद है कुछ? कहां सुना है सर? हाँ, क्या आपको टॉर्सनल कॉन्स्टेंट वाला टाइप दिखाया गया था? फॉर्मूला याद है? टू बाई अंडर रूट आई बाई सी के टॉर्सनल कॉन्स्टेंट ऑफ द वायर। आपको ऐसे पढ़ाएगा, वो ध्यान से सुनी, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ आपको। ऐसे आपने लिया, ये ऐसे लिया, ये लिया, इसको ऐसे घुमाया। अगर आप इसको ऐसे घुमाते हो तो क्या इस वायर में ट्विस्ट आता है? ट्विस्ट की वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क आता है। कितना ट्विस्ट में कितना रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा, क्या मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है? उसे बोलते हैं टॉर्क बराबर माइनस सी थीटा। टॉर्क बराबर वेयर सी इज द टॉर्सनल कॉन्स्टेंट ऑफ द वायर, वेयर सी इज द, उसका टाइम पीरियड बोला जाता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अरे कभी तो हाँ ना बोल। अरे सही तो बोल रहा हूँ, ये बेसिकली एक्सटेंशन जैसी तो इक्वेशन हो गई। कैसी इक्वेशन हो गई? कौन सा एक्सटेंशन? एंगुलर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे सी जो होती है वायर की ट्विस्ट एंगल पे, और थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात, सुंदर, अच्छा लगा, बढ़िया, मजा आया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अब हम क्या करते हैं कि इस लूप पर वो जो करंट आ रहा है ना बाहर से, वो जो बाहर से करंट आ रहा है उसको ऐसे लेते हैं, ये आया ये, और इस पे लपेट लेते हैं ऐसे। समझना कैसे, दो तीन चक्कर करके भी निकालते हैं कई बार, पहले समझो। समझ में आया क्या? वो जो करंट आपको नापना है ना उस पर ऐसे इस सिलेंडर पे एक रेक्टेंगल बन जाता है ऐसे। अरे सिलेंडर तो सिर्फ एक फ्रेम दे रहेगा, सिलेंडर से कंफ्यूज मत हो। सिलेंडर से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उससे कंफ्यूज मत हो। तो एक पार्ट है, किसी भी तो लपेटोगे ना, वो लपेटने वाली चीज सिलेंडर। अरे बेसिकली अपना एक रेक्टेंगुलर लूप बन गया, ऐसे रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी बनना है बन गया। देखो तो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? बाहर। जबकि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। भाई साहब अगर आप ध्यान दे, अगर ऐसे देखो तो लूप ऐसे। अरे हाँ ना बोल यार। एम और बी में कितना एंगल? कितना? कितना? अरे सोच लो, अरे गारंटी। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे दिखाए, ऐसे।
तो ऐसे दिखा हम लोग, ऐसे एम है अपना बाहर, ऐसे अपना एम है बाहर, और ऐसे अगर आपको ध्यान देखो तो आपको ऐसे ऐसे समझ में आएगा। देखिए बताता हूँ, अगर आप लूप ऐसे लो ना, ये इस लूप को अगर ऐसे देखो ऊपर से, तो ये ऐसे दिख रहा है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट किधर है, ऊपर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये इस प्लेन में। अरे यार तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं अकेला समझ रहा हूँ? अरे पक्की बात? तो ऐसे है ना, ऐसे। अच्छा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, अपन ने ऐसे ले लिया। एम और बी में कितना एंगल? 90। कितना? 90। कितना? 90। अब सोच, अच्छा इस सिलेंडर पे निडल ऐसे लगी होती है, ऐसे टॉर्क लगा कि नहीं लगा करंट बहने में? तो क्या एम विल ट्राई टू अलाइन हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ बी? यस सर। तो ये ऐसे ऐसे घूमा तो किसको पसंद नहीं आया? वायर। किसको पसंद नहीं आया? क्या वायर में ट्विस्ट हुआ? ट्विस्ट हुआ, एंगल बढ़ा तो टॉर्क बढ़ा, ट्विस्ट हुआ एंगल हुआ तो, अरे नहीं आया, टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता, थीटा बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ता है। क्या एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पे टॉर्क बाय एम क्रॉस बी इज बैलेंस्ड बाय टॉर्क बाय टॉर्सनल वायर? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? एक समय अगर अपन वो ध्यान दें तो इसमें ऐसे रिडल है, यहाँ पे इसमें ऐसी रिडल मान लो बिल्कुल। जब आप ऐसे घूमोगे, जब आप ऐसे, यहाँ पे वायर ऐसे, जब आप ऐसे घूमोगे, जब आप ऐसे घूमोगे वास्तविकता में, एम क्रॉस बी ऐसे आ रहा है, एम क्रॉस बी अगर ऐसे बनवा लेते, एम क्रॉस बी तो ऐसे घूमे, जब आप ऐसे घूमोगे वास्तविकता में तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आप ऐसे हो गए तो आप कितना घूमे? थीटा। कितना घूमे? तो ये कितना हो गया? अरे ये थीटा तो कितना, इसे अल्फा मान लो। समझने के लिए मैंने थीटा इज द एंगल रोटेटेड, तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है मुझे और स्लो होना चाहिए, थोड़ा रिस्पॉन्स करो यार, स्पीड तो बढ़ाए। तो अल्फा इज एंगल, मुझे जानता हूं यहां पे अल्फा 90 माइनस थीटा, पर मैंने इसलिए लिया, कोई जरूरी थोड़ी कि इनिशियल एंगल 90 हो, कोई जरूरी नहीं इनिशियल एंगल, इसलिए मैंने मान लिया थीटा इज एंगल रोटेटेड एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अब सोच, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम तो जाहिर सी बात है टॉर्क ऑफ जो एम क्रॉस बी है वो कितना है? एम बी साइन अल्फा। कितना है? एंड दैट शुड बी बैलेंस्ड बाय सी थीटा, and that should be balanced by theta, that should be balanced by theta at equilibrium condition, yes or no? Yes sir. नहीं आया? आया। अब mb sin alpha, अगर alpha is angle between this and that, तो सोच I m कितना है? I a b sin alpha equals to c theta, तो I क्यों नहीं लिखी गई? c theta by a b sin। अगर मुझे थीटा पता है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या अल्फा ही 90 माइनस थीटा है? Yes sir। तो आप बोल सकते हैं कि for this case, for this case क्या हम बोल सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा? ठीक है तो रख देंगे, क्या ही निकल आया? बेकार। अब सोचो निडल क्या नापेगी? थीटा। क्या नापेगी? बेकार रिस्पॉन्स। क्या नापेगी? वायर हमने यूज लिया तो क्या सी हमें पता है? कलूप हमने बताया तो ए हमें पता है? मैंने नाम यूज लिया तो क्या बी हमें पता है? क्या थीटा और 90 माइनस थीटा आ जाएगा? क्या आई निकल आएगा? क्या निकल आएगा? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सुंदर। बट रियल सेटअप में थोड़ा सा इससे ट्विस्ट है, ये पहली स्टेज है समझाने की। ऐसा नहीं होता सेटअप, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले तो ये कहानी समझ आई नहीं आई। हमारे पास एक स्पेशल टाइप की मैग्नेट होती है जिन्हें बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट्स। क्या बोलते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। उससे फायदा क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा तेरे को, इसलिए मैंने पूरी फील कराया ताकि तुझे समझ में आए। रियलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा। असलियत में हम यूज ऐसी मैग्नेट करने की बजाय ऐसी मैग्नेट्स करते हैं जिन्हें बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट्स। क्या बोलते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट्स। ऐसे ये साउथ, ये नॉर्थ, इससे फायदा ही होता है, ऐसे सिलिंड्रिकल टाइप ऐसी होती है समझो आप, उससे फायदा ही होता है कि वास्तविकता में ऐसे लाइंस निकलती है नॉर्थ से साउथ रेडियली। बोलो क्लियर है? ऐसे फील्ड्स निकलती है तो वो एक डायरेक्शन में रहती है, मतलब ऐसे रेडियल फील्ड्स है वो। कैसी फील्ड्स हैं? आप ऐसे समझो, है ना, थ्री डी में वास्तविकता में रेडियल फील्ड्स हैं। अब समझ, अगर मैं इस केस को यहां लेता तो सोच, जब मैं लूप यहां पर था, समझना अच्छे से, तो M और B में कितना एंगल था? 90। अब लूप घूम गया थीटा, कितना घूम गया? ये लो साहब घूम गया, सबने बोला घूम जा, घूम गया।
अब बोल एम और बी में एंगल, थीटा जीरो नहीं हुआ, कौन पक्का 90 हो गया, अल्फा थीटा, तो इसीलिए मैंने अलग अलग बोले कि थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ या एंगल रोटेटेड, यस और नो? अगर ऐसी फील्ड ले लूं तो क्या एट एवरी लोकेशन वी कैन इंश्योर कि एम और बी में एंगल, एम और बी में एंगल? तो रेडियल फील्ड्स, कैसी फील्ड्स? रेडियल फील्ड्स, रेडियल फील्ड्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं हॉर्सशू मैग्नेट्स, तुझे याद ही रखना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हॉर्सशू मैग्नेट्स, तो आपको समझ में आएगा कि रेडियल फील्ड्स इंश्योर्स, इंश्योर्स एंगल बिटवीन एम एंड बी इज ऑलवेज 90, इज ऑलवेज, अब जैसे ही 90 हो गया, यहां पे क्या 90, थीटा 90 नहीं हुआ पहली बार, क्या 90 हुआ, जैसे ही 90 हुआ वैसे आई क्या हो गया, सी थीटा बाई ए बी, अब बढ़िया लगा भाई, लीनियर रिलेशन आ गया, आई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के थीटा, अब जहां जहां थीटा लिख रहा था वहां पे के से मल्टीप्लाई कर दो क्या आई आ जाए, दैट इज रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, दैट इज द रीडिंग ऑफ, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, कुछ नहीं घुसा, अब ये कम करंट क्यों नापता है, क्योंकि वायर बहुत पतले रहते हैं, वायर मोटे लेंगे तो इनर्शिया की वजह से घूमता रहकर भाई साहब, बहुत हल्के वायर लेने पड़ते हैं, पतला सेटअप बहुत हल्का बनाना पड़ता है ताकि कोई एरर, मतलब एरर लेस हो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मोटा ले लोगे, हैवी बना लोगे तो इनर्शिया से रुकेगा नहीं, और बहुत सारी चीज उसमें डेड बीट, गैल्वेनोमीटर, एडी करंट्स की वजह से इसको रोक लेते हैं, बहुत सारी और भी रिसर्च होती है उस पर, क्योंकि आप ध्यान रखते आप तो नापते तो ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है, अगर वास्तव में सोचते ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए, रुकने में साला 30 सेकंड लगा देते, ऐसा होता नहीं क्योंकि हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, डेड बीट होती है जो एडी करंट से जनरेट करके रोकते हैं, अरे भाई थोड़ा बहुत ईएमआई में समझ में आएगा शायद तुझे, हालांकि वो अपने कोर्सेज का पार्ट, डेड बीट गैल्वेनोमीटर इज नॉट इन योर पार्ट, अगर मुझे लगेगा कि मेरे पास साइन में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं शायद बता दूं, पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका कि नहीं चमका, तुम्हारे प्राण पर गिरूं, हाउ मूविंग द गैल्वेनोमीटर वर्क्स, बोलो क्लियर है, इसी को हम बनाते थे एमीटर और वोल्टमीटर, उतार लो, अब सुन, जीरो दिया मेरे भारत ने, उधर ऐसे नहीं अभी जाने, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू आर लुकिंग फॉर, सपोज मैं आपसे बोलूं कि एक गैल्वेनोमीटर आपने बनाया, मूविंग गैल्वेनोमीटर जो एक डिग्री हिलता है एक एम्पियर पे, कितना, एक डिग्री हिलता है एक एम्पियर पे, और एक ऐसा बनाया जो एक 10 डिग्री हिलता है एक एम्पियर पे, कौन अच्छा है, मैं बोलूं मैंने अपने गैल्वेनोमीटर बनाया, अपन ने एक गैल्वेनोमीटर बनाया जिस दो बनाया, क्योंकि के पे डिपेंड कर जाएगा वो तो, अरे के पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, और के है सी बाई ए बी, और सी बाई ए बी तो हमें लाना था, तो हमने ऐसा बनाया एक, हमने एक ऐसा बनाया जिसमें एक एम्पियर बहाने पे एक डिग्री हिलता है, और एक ऐसा बनाया जो एक एम्पियर बहाने पे, कौन सा अच्छा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा, अबे एक डिग्री पे एक एम्पियर पे एक डिग्री का क्या मतलब हुआ, एक डिग्री तो सोच, तो अगर पॉइंट वन हिलाए तो पॉइंट वन एम्पियर करने दे तो, अरे भाई साहब क्या तीन लोग, तो फिर उसका कोई मतलब, तो ज्यादा वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव है, जो ज्यादा घूमते हैं कम करंट में, वो सेंसिटिव है जो कम करंट पर, कम करंट पर ज्यादा हिलते हैं,
अब सुनो, तो जो कम करंट में ज्यादा घूमते हैं क्या वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं? मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि अगर मैं एरिया ऑफ द लूप बढ़ा दूं तो सेंसिटिविटी का क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एरिया बढ़ा दूं तो बताइए सेंसिटिविटी का क्या होगा? तो बताइए सेंसिटिविटी का क्या होगा? बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। इधर एरिया बढ़ाओगे तो उसी थीटा पर आई कम होगा बढ़ जाएगा? ए एरिया बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा घटेगा? एरिया बढ़ाओगे तो के घटेगा? तो उसी थीटा पर आई बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो सेंसिटिविटी घटेगी भाई। अरे रामलाल, अब सुन, मान लिया एक डिग्री घुमाने कितना, तो थीटा तो फिक्स हो गया, थीटा तो फिक्स हो गया। अब कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, जिसमें आई ज्यादा होगा कम? कम। मैं कुछ उल्टा बोला गया, जिसमें आई उल्टा कर तो सब समझ में आएगा। थीटा इक्वल टू ए बी बाई सी आई, आप देख बहुत अच्छे समझ में आएगा। करंट को सेम कर ले तो थीटा ज्यादा होना चाहिए। अब बोल एरिया बढ़ाएगा तो थीटा बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मैंने उल्टा बोला था, तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। अब देख लो अच्छे से, सी घटाओ तो सेंसिटिविटी, सी घटाओ तो सेंसिटिविटी। पहले तो जो मैं बोला चमका, तो इसकी कहानी यही है, इसकी कहानी क्या बोला, क्या बोला बेटा? कुछ चीजें जीवन में बिना समझे ही रहे तो अच्छी बात है। और जिसे बहुत फीलिंग आई थी, देखा अकेले में मिलना आना ना, केबिन में समझाऊंगा साला, हद हो गई मतलब। अच्छा किए थे। हाँ भैया आइए, अब करो पहला, हालांकि ये एंगुलर इंपल्स पर है, ट्राई करो पर। एक्सरसाइज 4 लेवल 2 प्रश्न नंबर 1, एक करा देता हूँ। एंगुलर इंपल्स पर अच्छा सवाल है, ट्राई करो सब लोग, ट्राई करो। आपके पास समय है फिक्स 3 मिनट, उसके बाद मैं बताना चालू कर दूंगा। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। हाँ भाई, इन अ मूविंग कॉइल लिमिटेड टॉर्क ऑन द कॉइल कैन बी एक्सटेंडेड, टॉर्क इक्वल्स टू केआई वेयर आई इज द करंट थ्रू द वायर एंड के इज अ कांस्टेंट। द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द कैलोरीमीटर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन, एरिया ए एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी देन के एंड। क्या पहला पार्ट हो गया? यस सर। पक्की बात? यस सर। जो भी हम सिखाएंगे टॉर्क को लिखेंगे एम बी साइन थीटा, एम बी साइन 90, एम बी साइन 90, एम बी साइन 90, एम की जगह लिखेंगे आई ए, क्या लिखेंगे? तो आई ए बी इक्वल्स टू के आई, आई ए बी इक्वल्स टू, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या एन भी लिख देंगे? क्या लिख देंगे? तो आई आई ए बी एन इक्वल्स टू सी थीटा इक्वल्स टू, तो जो आपने लिखा है वो लिख लिया। सी यहाँ पे दिया हुआ है क्या कुछ? अच्छा के दे दिया है, क्या दे दिया है? ठीक, तो पहला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? द टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इफ अ करंट आई नॉट प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ पाई बाय 2 इन द कॉइल इज रीचिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरे क्या बोला? द टॉर्शन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इफ अ करंट आई नॉट प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ पाई बाय 2 इन द कॉइल इन रीचिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या आपको लिखना चाहिए आई नॉट, सॉरी सी इनटू पाई बाय 2, सी इनटू पाई बाय 2 इक्वल्स टू एमबी इक्वल्स टू। दूसरा पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा पार्ट, the maximum flow through which coil is deflected if charge q is passed through the coil almost instantaneously ignore the dip। ab hua kya samajhna acche se, aise jaise loop tha aise hi m tha aise b tha, aise hi m tha aise hi b tha, aise aise loop hai, usme ekdum se charge q pass kara khwach ekdum khwach, to i kitna ho q by dt and dt tending to 0, i kitna hoga q by dt tending to 0, i tending to infinity, आई टेंडिंग टू इनफिनिट है नहीं टेंडिंग, पर क्या एकदम से करंट बहुत जा, एकदम से टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू के आई, टॉर्क इक्वल टू के आई, ये कितने टाइम के लिए लगा टॉर्क?
डी टी टाइम पर क्या आई बहुत बड़ा है? इट इज इम्पल्सिव टॉर्क, इट इज, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, इट इज। अब याद रख, इंटीग्रेशन टाउ डी टी इज बेसिकली डेल्टा एल, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज डेल्टा एल, दिस इज बेसिकली एंगुलर इम्पल्स, दिस इज बेसिकली। तो आप इसके बाद इंटीग्रल टाउ डी टी इक्वल्स टू डी एल चेंज इन, यानी कि एल फाइनल माइनस टाउ के वैल्यू कितनी है के आई, और आई के वैल्यू कितनी है क्यू बाई डी टी इंटू डी टी इक्वल्स टू एल फाइनल, एल फाइनल इज वॉट आई ओमेगा माइनस जीरो। तो जैसे ये करंट बहा वैसे ओमेगा निकल आया के क्यू बाई आई, और के की वैल्यू आप पहले टर्म्स में निकाल चुके हो, के क्यू बाई ओमेगा निकल आया। तो जैसे ही ओमेगा आई क्या हमारे अंदर एनर्जी आ गई? हा आई ओमेगा स्क्वायर, जो हमारा लूप है उसके अंदर एनर्जी कितनी आ गई? अब इसे घूमना चालू करा बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। बट क्या इसे टॉर्सनल वायर रोकेगा? कौन रोकेगा? जैसे स्प्रिंग के अंदर एनर्जी होती है हाफ के स्क्वायर, कैसे अंदर एनर्जी होती है हाफ सी थीटा स्क्वायर। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, हाफ सी याद है भूल गया। तो दिस वो कब रुकेगा लूप? जब क्या पूरी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट इनटू स्प्रिंग रोटेशन एनर्जी, दैट इज हाफ सी थीटा नॉट स्क्वायर, यही पूछा उसने हमसे। तो ये दूर दूर तक मेरी बात समझ, एंगुलर मूव, एंगुलर इंपल्स, एनर्जी कंजर्वेशन, सारे फंडे आपको क्लियर होंगे तो आप इस पार्ट के, इस वाले सवाल के पार्ट को कर। अब तो खुद सोच में मैग्नेटिज्म नहीं जाता, इसमें एंगुलर इंपल्स भी आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन भी आ गया, करेगा तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे प्राण प्रखेरु। अब देखो दूसरा सवाल तुम 30 सेकंड में कर दोगे, देखो 30 सेकंड भी नहीं लगाओगे, देखो 5 सेकंड लगाओगे, देखो अरे देखो देखा फटाक से हो जाएगा। देखो दूसरा सवाल, अब चौकियों करने भी लगे मतलब यार, अबे यार तुम लोग सही में गेम हो मतलब। सब दूसरा वही सवाल है, गल जाके ट्राई करना दूसरा पूरे 10 मिनट में, तीसरा कर रहे थे जुड़े। हाँ अब सुन, अब मेरी बात सुन, आप पेज नंबर निकालो। अब बेसिकली सुन, एक जे एडवांस का पोर्शन खत्म, पर जे में इसमें बहुत सारा है, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा आज का लेक्चर और अगला लेक्चर पूरा, बोलो क्लियर है? है ना, इसमें पढ़ने में बहुत कुछ होता है, इसे जो मैं बोलूं जैसे मैं बोलूं आपको याद होना, जहां मैं बोलूं अंडरलाइन करो अंडरलाइन कर लेना, बोलो क्लियर है? समझाएंगे सब कुछ। आप आ जाओ पेज नंबर 2.29 पे, पेज नंबर 2.29 पे, पेज नंबर 2.29। पहले मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूं, फिर आपको जल्दी से बोलूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ लेना है। सुन बस खोल के रख लो, खोल के रख लो बस, बाकी मैं पढ़ा रहा हूं, पर आपको फिर फटाफट रफ्तार में पढ़ना है। सुन इधर याद कर, एग्जैक्टली वो पढ़ा रहा हूं जो पी क्रॉस ही था। कौन सा पी क्रॉस ही? डाइपोल याद है? जिस पर डाइपोल याद है उसे लगेगा क्यों पढ़ा रहे हैं सर इतना भी। ध्यान सुन, डाइपोल याद कर, डाइपोल में क्या होता था कि डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइनस क्यू प्लस क्यू। रफ्तार में सुन, माइनस क्यू प्लस क्यू का डाइपोल मोमेंट होता था पी बराबर क्यू इनटू डी, याद है? भूल गया? बिल्कुल। उसके सिमिलर कौन होता है? अपना होता है प्लस एम और माइनस एम, साउथ पोल नॉर्थ पोल ये कहलाती है, पोल स्टेशन का मैग्नेटिक मूवमेंट करता है एम इनटू डी, याद है? भूल गया? ये अपनी मैग्नेट से कोई बड़े वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कोई दिक्कत? चलिए भाई अपने सिर्फ दिया एम इक्वल टू एम इनटू डी, एम इक्वल टू एम इनटू डी, ठीक भाई साहब? बिल्कुल ऐसे कैसी बात है। अब यहाँ इसमें हम सबसे क्या पढ़ते हैं, अगर हम इसमें ध्यान देखें तो हम जानते थे पढ़ने के लिए समझने की बात करूँ, अगर एक क्यू चार्ज है उसकी वजह से रिपीट होती है क्या होती थी? आप मैं जानता हूं, अगर आप मैग्नेट की प्रॉपर्टीज इसमें जो लिखी हुई है जो मैं आपसे पढ़वाऊंगा अभी सही, हम मैं जानता हूं कि कभी भी कोई पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, बेसिक मैग्नेट की प्रॉपर्टी। अगर इसे काट दोगे तो क्या प्लस एम अलग हो जाएगा माइनस एम अलग हो जाएगा? क्या फिर प्लस एम माइनस एम? अरे भाई साहब हाँ ना बोल, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। बिल्कुल सही बात है, बट वास्तविकता में हमें, अगर हम ऐसा समझने के लिए मान लें कि अगर कोई अकेला पोल एग्जिस्ट करता तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती प्लस एम, और उसकी में के की जगह क्या लिखते म्यू नॉट बाई फोर पाई, 4 पाई q की जगह m बाई r स्क्वायर, ऐसा समझो। रिप्लेस k बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, रिप्लेस k बाई q की जगह छोटा m, बड़ा m नहीं, q की जगह और r की जगह r। तो अपन समझे कि इन इस सारे फॉर्मूले में k को रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई से, छोटे m को रिप्लेस करेंगे q से, और बड़े m को रिप्लेस करेंगे p से, बाकी सब सेम होगा।
अरे भाई साहब डाइपोल में ये टर्म्स आई थी फिर देखा रेस्पॉन्स यार बाकी सब सेम चलेगा बाकी सब कुछ सेम चल रहा है तो आप मान लो कि ऐसा होता है मैं जानता हूं कि अकेला पोल एग्जिस्ट पर समझाने के लिए बता रहा हूं आपको अब देख ध्यान सुनना आपको सारी बातें क्लियर होगी यहां से डाइपोल में आता है डाइपोल से कॉम्बिनेशन ऑफ ये और वो और आपसे नेट बेंडिंग मोमेंट पूछा जा सकता है आपसे नेट डाइपोल मोमेंट पूछा जा सकता है यहां का सबसे पहली चीज अपने क्या पढ़ी थी अपने सबसे पहली चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यहां का आंसर आता है 2kb/r³ देखा रिस्पॉन्स क्या आएगा मान लीजिए आपके यहाँ पे प्लस एम और ये माइनस एम और आपका मैग्नेटिक मोमेंट है और आपसे पूछ लिया यार दूरी पे बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या दोगे 2kp k की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई p की जगह m बाई r क्यूब आंसर नहीं आया प्रूफ करने का तरीका भी सबको सेम सबको सेम बोल यस ऑर नो यहाँ पे जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते तो क्या लेते जल्दी बोल क्या था kp/r³ माइनस का मतलब क्या उल्टा हुआ करता था क्या हुआ करता था उल्टा तो यहाँ पे जाएगा म्यू नॉट बाई फोर पाई एम बाई आर क्यूब नहीं आया अगर जनरल पॉइंट लेते तो याद कर kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा याद है भूल गया तो kp/r³ के की जगह क्या याद करें आंसर था म्यू नॉट बाई जनरल पॉइंट तो लिखा kp/r³ यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई m by r cube under root of 1+3 cos square theta अरे कभी तो हाँ ना बोलो मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया बस तो अपन ऐसे से रिप्लेस करते जाते तीनों आंसर आ गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसी बात अगर हमने बहुत सारी पोटेंशियल पोटेंशियल की बात इसमें नहीं करेंगे बात समझ लेते अच्छे से अगर अपन बहुत ध्यान देते सोच याद कर अपन ऐसे डाइपोल रखा करते तो उस पर याद का टॉर लगा करता था पी क्रॉस ई क्या लगता था अगर मैग्नेटिक मूवमेंट अपन ऐसे रख देंगे मैग्नेट को ऐसे रख देंगे तो फिर से टॉर लगेगा एम क्रॉस भी तो हमने अभी पढ़ा था याद है कि भूल गया है मैग्नेट हमेशा अपने आप को लाइन करना चाहती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किधर लाइन करना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होकर निकले तो क्या मैग्नेट ऑलवेज ट्राइज यही तो निडल का काम है यही तो निडल का क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन हिमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ टॉर्क इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज एम क्रॉस बी जो आपने पढ़ा था पी क्रॉस ई याद करिए उस पर बहुत सारे सवाल कर रहे थे जितने सवाल करते हैं सब कुछ वहां पे वैसे वैसे रिपीट होंगे जब आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था उसमें रिप्लेस करते आंसर आते जाएंगे इसमें कोई शक वाली बात क्या मैं पहले भी बोल चुका हूँ डाइपोल पढ़ के रखना है तुमने पढ़ाई नहीं पढ़ाई की नहीं पढ़ा आप सवाल कर सकते हो अगर मैं आपसे बोलूं मैंने इसको 53 डिग्री से छोड़ दिया बताओ जब ये यहाँ पर आ जाएगा जिसमें आपको सवाल बताता हूँ बेसिकली क्या है अगर आपको कुछ कुछ याद हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो जो अपनी मैग्नेट होती है क्या वो अगर मैं इस मैग्नेट को 53 डिग्री से छोड़ दूं तो आपसे पूछा जाए बताओ कि जब यहाँ पे होगा तो उसकी क्या ओमेगा होगा क्या अपन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अरे हाँ ना बोल यार अगर तो उसे आई के लिए बारे में बात कर ली जाए तो याद करें ये रेक्टेंगुलर प्लेट टाइप चीज है इसका माउंट ऑफ एनर्जी इसके अबाउट होता है ma²+b²/12 कुछ नहीं याद है ma²+b²/12 याद है भूल गया है बहुत सारी चीज आपको दी सकती है बहुत सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है पूरा खेल खत्म ये पूरी कहानी एग्जैक्टली किसके जैसी है किसके जैसी है डाइपोल डिट्टो सेम बिना किसी गैप के बिल्कुल वैसे के वैसे चलती है आपके पास समय एक मैं बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें थोड़ी सी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी पढ़ डालना फटाफट थोड़ा रफ्तार में पढ़ना टाइम खराब नहीं करना है ध्यान सुन इधर आपको पढ़ना है 2.29 2.30 2.31 2.32 तक एग्जाम्पल 43 तक और समय सीमा है मात्र 7 मिनट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फटाफट पढ़ के खत्म करो रफ्तार में हाँ भाई अगले टर्न आप एक तो अभी कई लोगों के पास मेरे को शीट और वो नहीं दिख रही अगले टर्न में शीट और वो सबके पास होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं जिसके पास ये उसे 50 रुपए लूंगा पहले बोल रहा हूं और नहीं पढ़ना तो बोल दो तुम पढ़ लेना डराए बिना काम ही नहीं चलता अगले टाइम मिलते हैं।